हमारे क्षेत्र में कोई नेता आया, उन्होंने मेरे क्षेत्र में किसी का नाम प्रपोज कर दिया कि इसको प्रकाश चौधरी के अंगेंस्ट टिकट मिलेगा। टिकट का फैसला कोई वो नेता नहीं करेगा। रानीपति वासी को निश्चित तौर पे पूछेंगे हाईकमांड कि भाई बताओ आपके चुनाव क्षेत्र में किस किस लोगों ने काम किया है। इतनी बात उन्होंने कही है, बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णावा ज्वेलर्स मोती बाजार मंडी, सोने से चमकाए अपनी खूबसूरती। सांसद प्रतिभा सिंह और आश्रय शर्मा के बीच चल रही जुबानी जंग में अब पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर और प्रकाश चौधरी भी शामिल हो गए हैं। प्रकाश चौधरी इस वक्त मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। आज मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिभा सिंह या आश्रय शर्मा नहीं बल्कि पार्टी हाईकमान टिकटों का फैसला करती है। प्रकाश चौधरी ने अपनी बात रखते हुए बताया कि उनके गृह क्षेत्र बल से भी प्रतिभा सिंह ने किसी और के नाम की पैरवी कर दी है, लेकिन उन्होंने इस बात का बुरा नहीं माना क्योंकि उन्हें मालूम है कि टिकट पार्टी हाईकमान ही देगी। ऐसे में उन्होंने आश्रय शर्मा को नसीहत दी है कि वे भी प्रतिभा सिंह की बातों का बुरा ना माने क्योंकि वो चुनी हुई सांसद है और संसद में मंडी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। एमपी है, उनको पूरा हक है। अब पिछले कुछ दिनों में हमारे क्षेत्र में कोई नेता आया, उन्होंने मेरे क्षेत्र में किसी का नाम प्रपोज कर दिया कि इसको प्रकाश चौधरी के अंगेंस्ट टिकट मिलेगा। टिकट का फैसला कोई वो नेता नहीं करेगा, पर उसको हम कैसे रोके जो उसने बोल दिया। पर टिकट तो हाईकमान देगा, चाहे वो प्रकाश चौधरी को दे या किसी और को दे, वो बाद की बात है। अभी इलेक्शन के लिए 7-8 महीने का टाइम है, परंतु हमें ये दुख बड़ा लगा कि एक सीनियर नेता जो आज हिमाचल में उनका नाम है, आज देश में उनका नाम है, पार्लियामेंट में वो बैठे हैं, पहले भी 2 बार बैठे हैं, तीसरी बार अब बैठने जा रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसी बातें हो तो अच्छी नहीं लगती। देखो, जहाँ तक आश्रय शर्मा की बात है, वो मंडी में नहीं थे। उन्होंने कहाँ से सुना कि रानी साहब ने किसी को प्रपोज किया, मान लो चंपा ठाकुर जी को। पहले भी चेतराम ठाकुर के बारे में बड़ी चर्चा आई, वहाँ के कुछ उनके साथी हैं उन्होंने बड़ा विरोध किया। अब मान लो, मैंने पहले कहा कि मेरे क्षेत्र में आकर कोई नेता प्रपोज करता है, मैंने तो नहीं विरोध किया। हम तो पार्टी को एक रखना चाहते हैं। चलो, किसी नेता ने बोल दिया, ठीक है, उसकी चॉइस है। पर मैंने जैसे कहा, फाइनल तो हाईकमान करेगा ना, कोई आश्रय शर्मा नहीं करेगा। वहीं उनके साथ मौजूद पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सांसद को इस बात का पता है कि चुनावों के दौरान किसने उनके लिए काम किया और किसने नहीं। जब टिकटों की बात आएगी तो पार्टी हाईकमान सांसद की राय जरूर लेगी और उस वक्त काम करने वाले लोगों की ही बात होगी। देखो ना, रानी साहब ने अभी इलेक्शन लड़ा है। जो एमपी इलेक्शन लड़ता है उनको पता है कि वो अपने क्षेत्रों में किस किसने काम किया है। उन्होंने यही कहा कि भाई किसी व्यक्ति विशेष ने इन क्षेत्रों में काम किया है तो उनका हक है। वो रानीपति वासी को निश्चित तौर पे पूछेंगे हाईकमांड कि भाई बताओ आपके चुनाव क्षेत्र में किस किस लोगों ने काम किया है। इतनी बात उन्होंने कही है, बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। बता दें कि प्रतिभा सिंह ने अपने पिछले दौरों के दौरान सराज से चेतराम ठाकुर और सदर से चंपा ठाकुर को बतौर कांग्रेस प्रत्याशी प्रचारित किया था। इस बात से जहां सराज कांग्रेस के नेता नाराज नजर आ रहे हैं, वहीं आश्रय शर्मा ने भी इसकी पार्टी हाईकमान से शिकायत तक करने की बात कह डाली है। इसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी में अब उठापटक स्थिति बनी हुई है। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।